सर देखिए, मैं इस रास्ते पर आपके लिए, लेकिन इन्हीं रास्तों पर हर दिन 500 लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी ये रात के अंधेरे हो चुके हैं, कारण सिर्फ सड़क पर रक्त के निशान दिखाई देते हैं, यानी कि जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उसी वजह से वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन सड़कों को रक्त से लाल बचाने के लिए मैं तो दिन में या रात में हेलमेट भी बांटता रहता हूँ, इसलिए मुझे दुनिया हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। और अभी तक पिछले 9 सालों में 56,000 हेलमेट इसलिए बांटा क्योंकि हेलमेट ना लगाने मैंने अपने मित्र को खो दिया, जो मेरा रूम पार्टनर हुआ करता था और अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। जो आज हमारे भारत की सड़कों पर जो 1.5 लाख मौत होती है, उनमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो मैं अभी ये सिग्नल पे जो पेरेंट्स जा रहे थे अपने बच्चों को हेलमेट नहीं पहनाए थे, हमने उनसे यही कहा कि इसको भी अभी जिस तरह से आपने इसको जूते चप्पल पहनाना सिखाया, आपने तो सिखा दिया, लेकिन सर आपने का ढका हुआ है, बच्चे का नहीं है, तो इसे आपको सिखाना है। अगर आप इसको आज भी हेलमेट पहना आप सिखा देंगे तो कल माँ बेटे का रिश्ता जुदा नहीं होगा, सड़क मौत का कारण नहीं बनेगा। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ये मौत की रफ्तार का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और उसी चीज को मैं लोगों को मौत से बचाने के लिए भारत की सड़कों पर जो जागरूक भी कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि भारत का 1.4 बिलियन जो नागरिक है हर कोई एक स्मार्ट रोड यूजर बने, ताकि हमारे भारत में इस तरीके से जो मौत के आंकड़े हैं विश्व में वो रुक सके। और उसी चीज को लेकर के मैं आज उड़ीसा मतलब भुवनेश्वर के शहरों पर सड़कों पर भी हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ के स्टेट जो कमिश्नर भी हैं ट्रांसपोर्ट्स कमिश्नर, उन्होंने भी मुझे, अमिताभ ठाकुर जी ने जो आईपीएस उन्होंने बुलाया, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट इतना अच्छा कार्य कर रही है जो मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि इनका जो लोगों का रुझान जिस तरीके से ये होना चाहिए, जो आजकल लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा चिंतित हैं, तो जिस तरीके से एक फिल्म का उन्होंने एक पिछले साल से चालू किया हुआ है इनोवेशन, कि आम जनता क्या सोचती है और किस रूप में जागरूक बनेगी, उसी चीज़ को लेकर के जो फिल्म फेस्टिवल का ये चीज़ें आयोजन कराया जा रहा है उसमें उन्होंने भी मुझे जूरी मेंबर बनाया, जजेस का मौका दिया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राज्य एक इतना अच्छा कार्य मतलब लोगों के लिए विचार लेकर के वो आई। और इसमें अधिकतर वो यूथ है जो कहीं ना किसी अपनों को खोया हुआ है, किसी रिश्ते को खोया हुआ है, बहुत ऐसे लोग हैं लेकिन आज उनकी कोई आवाज़ नहीं जानता है और ना वो सोचता है कि मैं अपनी आवाज़ कैसे पहुंचा पाऊं। बहुत सारे यूथ अलग अलग एक्टिविटी कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ये फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी दी है, इसमें लाखों रुपये इनाम भी मिल रहे हैं, 8.5 लाख रुपये, और बहुत सारे, शायद मैं भी एक लाखों नहीं करोड़ों लोग मुझे जो फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, शायद यहाँ से मैं जो आवाज़, जो गवर्नमेंट के जो विचार हैं वो उन लोगों तक भी जाएगी, वो भी इस हिस्से में भाग ले सकते हैं। सर, उड़ीसा आने का वजह यह है कि यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और उसी चीज़ को लेकर के मुझे भी जूरी मेंबर में बनाया गया है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ ट्रांसपोर्ट विभाग जब कार्य कर ही रही है तो मैं अंदर होटल में क्यों रहूं, मैं सड़क पर आकर के बल्कि यहाँ के जनता को रीड करूं। जैसा मेरा इमेजिनेशन थिंकिंग था कि हाँ थोड़ा सा लोग स्टेट्स को मतलब पुअर के रूप में मानते हैं, देखते हैं, या शायद लोग वो चीज़ें हेलमेट नहीं, लेकिन सर वो विचार मेरे गलत निकले, क्योंकि यहाँ पर 100% हम कह सकते हैं कि लोग रात को भी हेलमेट फॉलो कर रहे हैं, लोग लगा करके चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता भी है और यहाँ के लोग जागरूक भी हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने इतने तरीके से मेहनत की है, और जो मैंने यहाँ बात हुई और सुप्रीम कोर्ट की भी जो टीम आई थी, इस राज्य को 3rd नंबर का वो रैंक मिला हुआ है, ये मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात है। और जो अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य से मैं भी कुछ सीखने के लिए भी आया हुआ हूँ, और जो अन्य राज्यों में जो कैंपेन करूंगा तो उड़ीसा की भी दृष्टि, आखिर यहाँ क्यों लोग जागरूक है, मैं इनसे सीख करके वहां भी इस बातों को जरूर शेयर करूंगा। सर, मैं सड़क पर, मैं प्लेन में भी चलता हूँ, कार में भी चलता हूँ, तो हेलमेट पहनकर, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे भारत के लोगों को जागरूक करना है। तो यहाँ की भी जो जनता है जो ये चाहती है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए लोग इस वजह से वो हेलमेट पहने, पुलिस चलान के लिए नहीं। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये सोच रहेगी कि इनके परिवार में 4 से 5 लोग हैं तो वो 5ों लोग भी इनकी तरह जागरूक बनेंगे, और उस तरीके से हमारे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग ये सीखेंगे कि यातायात नियमों का हमेशा चलान के लिए नहीं, खुद स्वयं सुरक्षा के लिए होना चाहिए। पिता माता को आपने समझा रहे थे, एक बच्चे को आगे बिठाए हुए बिना हेलमेट के और खुद दोनों हेलमेट पहने हुए हैं, क्या उन जैसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो माता पिता यातायात नियमों के प्रति पूरे जागरूक थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट होते हैं। तो जब मैंने बताया कि देखिए बच्चे के पैर में जूते हैं
लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहनाया है। और मैंने बताया कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़के 12 साल 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवा दिया है, और अगली बार जब भी चले तो उसे हेलमेट पहना करके ही चले, और ताकि ये बच्चा एक मेमोरी जो आपसे जो ले रहा है कि हमको पापा ही बिना हेलमेट के लेके जाएंगे तो फ्यूचर में यही करेगा। लेकिन अगर पापा ही हेलमेट पहना देंगे तो कभी भी गलती नहीं करेगा और हमेशा एक देश का महान नागरिक भी ये बच्चा बनेगा। राघवेंद्र जी की लड़ाई कब तक? देखिए, मेरी लड़ाई सड़कों पर जब तक मौत चलती रहेगी तब तक मेरी लड़ाई है। मैंने शपथ ही लिया है कि अपने मित्र को खोने के बाद मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा, क्योंकि सड़क हादसों में हमारे देश की 4% GDP का नुकसान है। तो ये कहीं ना कहीं जब हर नागरिक जब इस मेरे मिशन के साथ जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक ये मौत के आंकड़े रुकेंगे नहीं, और ये जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और उस तरीके से मैं सड़कों पर लड़ाई लड़ता रहूंगा। हाँ, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स की समस्याएं हैं, आपदा भी आती है, बाढ़, जो सड़क भी टूट जाती है, सब चीज होती है, लेकिन बहुत जगह रोड इंजीनियरिंग की भी कमी होती है। तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान जागरूक बने और अपनी समस्या को लेकर के, आज परिवहन विभाग हर जिले में है, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप अपनी समस्या को लेकर के थाने उस विभाग में जाएंगे तो समस्या का हल जरूर होगा। लेकिन अगर आप बिना वहां के समस्या लेकर गए और सोशल मीडिया या ऐसे सिर्फ कैमरे के सामने कहते रहेंगे तो समस्या कभी हल नहीं होगा। और जब नहीं अगर हो रहा है प्रशासन तो आपको हेलमेट मैन बन करके खुद सड़कों पर लड़ाई भी लड़ना होगा, क्योंकि ये देश आपका है। अगर आप जब तक स्वयं नहीं जागरूक होंगे तब तक हमारा भारत नहीं बदलेगा, और यही चीज है कि हमें आपको आके आना पड़ेगा, और जो कमी है उसके लिए हम सब मिलकर के, प्रशासन गवर्नमेंट से मिलकर के, हम अच्छी चीजों को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जो नया भारत बदल, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, कहां पर क्या डिमांड है, अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि आपके ओपिनियन से ही हमारे देश में हादसे भी कम होंगे और सरकारें भी काम करेंगी। तो मैं मानता हूं कि आम नागरिक को ही इसमें आना पड़ेगा, तभी चीजें बदलेंगी। सर देखिए, सरकार एडवर्टाइजमेंट करके जो हमारे देश में कानून बनाए, जैसे मैंने कहा छोटे बच्चे 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट कानून, इस चीज के लिए सरकार को स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से स्कूल में झोले बैग दिए जा रहे हैं, उनको हेलमेट यातायात नियम बचपन से लाइसेंस नहीं देना चाहिए। आज के डेट में गार्जियन भी हैं अपने प्रभाव को खत्म करने के लिए, मतलब वो इतने खुद में बिजी हो गए कि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अपने बच्चे को 18 साल से कम उसका हाथ में बाइक थमा देते हैं कि स्कूल और कोचिंग चला जाए। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, आम नागरिक परिवार, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को हाथ में वो दे दिया। तो अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? अब वो बच्चे को नहीं मालूम है, ना उस चीज का एक्सपीरियंस है, ना गार्जियन के पास इतना ध्यान है, तो सड़क हादसे करेगा, इस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्कूली स्तर पर जो गार्जियन जो जहाँ पे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उस जगह पर यातायात नियमों का स्कूल के अंदर भी लिखा जाए। हेलमेट बैंक जैसे मैं डेवलप करवा रहा हूँ, मैं सोचूंगा कि यहाँ पर भी हेलमेट बैंक डेवलप हो। बच्चे चाहे साइकिल अगर पेरेंट्स खरीद के लेके आ रहे हैं तो हेलमेट वो चीजें लेकर के भी आए, बचपन से आदत डाले, तभी तो हमारा देश यातायात नियमों का अधिक से अधिक पालन कर पाएगा।